यूपी की डुमरियागंज संसदीय सीट के लिए सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर बने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर मंगलवार 14 मई को सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी आफताब आलम ने आरोप लगाया है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम बदली गई। उन्होंने कहा कि जब स्ट्रांग रूम सील किया जा चुका है तो प्रशासन किसकी अनुमति से ईवीएम इधर उधर कर रहा है। हालांकि डीएम कुणाल सिल्कू ने कहा कि बचे हुए ईवीएम देवरिया भेजे जाने थे, मशीनों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। आरोप है कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम से भरी दो गाड़ियां निकालने की कोशिश की गई, दोनों गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की पहुंची थी। इस पर स्थानीय लोगों और बसपा सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से लदी गाड़ियों को गेट पर रोक दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। खबर है कि बाद में मीडिया के पहुंचने की चर्चा पर प्रशासन ने ईवीएम से भरी गाड़ियों को वापस अंदर भेज दिया। गठबंधन के कार्यकर्ताओं का दावा है कि जिला प्रशासन सत्ता के दबाव में ऐसा कर रहा है और ईवीएम हटाई जा रही है। गौरतलब है कि हरियाणा के फतेहाबाद में भी मंगलवार को ईवीएम बदलने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक देर शाम के वक्त भोड़िया खेड़ा कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में एक संदिग्ध ट्रक घुस गया। बताया जाता है कि ट्रक में ईवीएम लोड थी। जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। छानबीन के दौरान ट्रक ड्राइवर से कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मिलने पर ट्रक को वापस लौटा दिया गया। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।